छठे महीने में बेबी के का क्या क्या डेवलपमेंट होता है और बेबी के क्या क्या पार्ट्स बनते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शिखा अग्रवाल। 21 वीक्स पे बेबी करीब 10 इंच लंबा होता है और उसका वेट लगभग 350 से 400 ग्राम के करीब होता है। 21 वीक्स पे बेबी की स्किन पिंक टू रेड कलर की होती है, उसकी स्किन में रिंकल्स पड़े होते हैं, झाइयां सी दिखाई देती हैं और उसके नीचे से स्किन के नीचे वेंस भी ब्लू कलर की वेंस दिखाई देती हैं। 21 वीक्स पे बेबी की सारी फिंगर्स पे फिंगरप्रिंट बन जाते हैं और टोस पे जितने भी पैरों की उंगलियां हैं उस पे टो प्रिंट बन जाते हैं। इनकी एक यूनिक बात होती है कि ये फिंगरप्रिंट, एक बेबी के फिंगरप्रिंट दूसरे बेबी से हमेशा डिफरेंट होते हैं और इस तरह से जब बेबी बड़ा होता है तो जो एडल्ट हो जाता है तो भी किसी भी इंसान के फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से नहीं मिलते हैं। 22 वीक्स पे आपका बेबी करीब 11 इंच लंबा होता है और उसका वेट 450 से 500 ग्राम के लगभग होता है। 22 वीक्स पे बेबी में हिकअप रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है, मींस बच्चा हिचकी लेना स्टार्ट कर देता है। जब बेबी हिचकी लेता है तो डायफ्राम ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाता है और डायफ्राम अपना काम शुरू कर देता है। कुछ महिलाओं को जब बेबी हिकअप लेता है तो ये मूवमेंट जर्क मूवमेंट फील भी होता है और वे नोटिस कर सकते हैं कि बेबी समय हिकअप ले रहा है। हिकअप लेने के साथ साथ जब डायफ्राम मूव करता है तो बेबी के लंग्स भी मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं और थोड़े थोड़े डेवलप भी होते हैं। 23 वीक्स पे आपका बेबी करीब 12 इंच लंबा होता है और उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 600 ग्राम होता है। 23 वीक्स पे बच्चे की आंखें फर्स्ट टाइम खुलती हैं। इससे पहले बच्चे की आंखें बंद रहती हैं और आईलिड आपस में चिपकी रहती हैं, लेकिन 23 वीक्स पे बच्चा अपनी आईज को फर्स्ट टाइम खोलता है और जब इसकी आईज बंद रहती हैं तो वो रैपिड आई मूवमेंट भी कर सकता है, मींस बच्चे के जो आई वाल होते हैं वो तेजी से इधर उधर घूमते रहते हैं, लेफ्ट से राइट हो सकते हैं। 23 वीक्स पे बेबी के ब्रेन का कार्पस कैलोसम बन सकता है। कार्पस कैलोसम वो पार्ट है जो बेबी के दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ता है, तो इस समय बेबी का के लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में जुड़ जाते हैं थ्रू कार्पस कैलोसम। 24 वीक्स पे आपका बेबी करीब 12 इंच लंबा होता है और उसका वेट 600 से 650 ग्राम के लगभग होता है। 24 वीक्स पे बेबी के चारों तरफ जो पानी होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, इसकी मात्रा मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए अगर पानी ज़्यादा होता है तो बेबी के मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, बार बार होते हैं और माँ को भी बेबी के मूवमेंट फील होते हैं। इसके बाद से 24 वीक्स के बाद एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। 24 वीक्स पे बेबी सॉन्ग को रिस्पॉन्ड करने लगता है और जैसे ही कोई म्यूजिक सुनता है, कोई सॉन्ग सुनता है तो उसमें मूवमेंट होता है। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।